अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज बहुत खुशी है आपकी नई पार्टी वजूद में, तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा, आपको पार्टी वजूद में लाने का मेन मकसद क्या है? और नौजवानों की क़यादत जो है वो उभर कर सामने आए और जो इस मुल्क के आम गरीब के या आम शहरी के मसाइल हैं उनसे आगाह रखने वाले आम लोग जो हैं वो सियासत में कदम रखें और वही लोग जो हैं उस मुल्क के कानून साज असम्बलियों में जाकर बैठे और उन्हीं लोगों के जरिए जो है वो बिल पास हों वहाँ पे और इस मुल्क के अंदर जो कानून राइज होते हैं और जो हम लोगों ने इतने अरसे से जो है आम पर जागीदारों और वडेरों की हुकूमत से और हम लोगों ने गुलाम इतने गुलाम बन के ज़िंदगी गुजारी है, तो अब एक आम इंसान को भी हक हासिल होना चाहिए कि वो भी इस मुल्क की सियासत खर्च कर सके। आपको क्या लगता है कि आपके हुकूमत आने के बाद इंकलाब आएगा या बातें धरी की धरी रह जाएंगी, जिस तरह इमरान खान साहब भी इस इक्तदार में आने से पहले बहुत बड़ी बातें करते हैं? देखिए, एक बिल्कुल आपने ये कहा, इक्तदार में आने से पहले बातें बड़ी करते हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है, अगर हम जिस आइडियोलॉजी को साथ लेके आए हैं और जिस मकसद और जिस नजरिए को लेके आए हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे पास इक्तदार में कभी कोई आरोपिश नहीं आएगी और हम जो बात कर रहे हैं अल्लाह आपको कामयाब करे, लेकिन क्या इन फ्यूचर में आपकी पार्टी कुछ इन पैसा बनेगी? देखिए, इस तरह की कोई बात कहना तो कोई वक्त होगा, जैसे मैंने पहले कहा कि ऐलान सजा है, हम देखेंगे कि मैंने कहा कि हम अपनी सोच और अपने से जो हम इनके नजरियात हम तनाश करते हैं हमारा उनसे कोई खराब नहीं है, तो हम देखेंगे क्या। अल्लाह आपको कामयाब, थैंक यू सो मच।